दोस्तों, आर माधवन के बेटे वेदांत ने एक बार फिर बढ़ाया देश का मान। स्विमिंग चैंपियनशिप में जीते 5 गोल्ड मेडल। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता आर माधवन ने बॉलीवुड ही नहीं साउथ में भी फिल्में की। आर माधवन की संजीदा कलाकारों में गिनती होती है। फैंस के बीच वो मेडी के नाम से पॉपुलर हैं। आर माधवन ने एक्टिंग को अपना करियर चुनकर हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया है। वहीं उनके बेटे वेदांत ने फिल्मों से हटकर कुछ अलग किया है, लेकिन वेदांत ने अपने पिता ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। वेदांत ने बचपन से ही स्विमिंग को अपना करियर बनाया। अब वेदांत ने स्विमिंग चैंपियनशिप में देश के लिए एक नहीं बल्कि 5-5 गोल्ड मेडल जीते हैं। आर माधवन अपने बेटे वेदांत की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं हर तरफ उनकी जमकर तारीफ हो रही है और सेलेब्स एक्टर और उनके बेटे पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। वेदांत अक्सर मेडल जीतकर सिर्फ अपने पिता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मलेशिया चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तरफ जहां अन्य स्टार किड्स फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर माधवन के बेटे वेदांत देश को मेडल दिला रहे हैं, खेल की दुनिया में नाम चमका रहे हैं। वेदांत एक के बाद एक चैंपियनशिप में धड़ाधड़ मेडल जीत रहे हैं और सबके होश उड़ा रहे हैं। आर माधवन ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी और कुछ तस्वीरें भी शेयर की। वेदांत माधवन ने हाल ही में 58 मिलो मार्स मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप पे हिस्सा लिया। इसमें वेदांत ने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1200 मीटर की तैराकी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और जीत हासिल किया। इससे पहले वेदांत ने फरवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 गोल्ड और सिल्वर मेडल और 7 मेडल जीते थे और इस चैंपियनशिप में वेदांत ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। मालूम हो कि आर माधवन के बेटे वेदांत तैराक हैं और वो इसी में करियर बनाना चाहते हैं। साल 2022 में वेदांत ने जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 1500 मीटर फ्री स्टाइल जीता था। आर माधवन बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज शेयर की है, साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की है जिसमें बेटे वेदांत गले में 5 गोल्ड मेडल लटकाए हैं और तिरंगे के साथ पोज दे रहे हैं। आर माधवन ने जैसे ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की, खुशियां जाहिर की, बधाई देने वालों का तांता लग गया। टिस्का चोपड़ा, लारा दत्ता, जुबैर खान से लेकर तमिल फिल्मों के स्टार सूर्य ने भी आर माधवन को बधाई दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।